For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymyth. हेलो नमस्कार, मैं हूं अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं बॉलीमिथ। भाभी जी घर पर हैं, पिछले 5 सालों से लगातार चल रहा है। अगर बात करें इसकी तो ये आज के वक्त का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो है और पिछले 5 सालों से लगातार ये TRPs ने बना हुआ है। इस शो की अगर बात करें तो इस शो में मनमोहन तिवारी से लेकर के टीका मलखान तक हर किरदार में कुछ ना कुछ खास ज़रूर है। और अगर हम बात करें हम सबके फेवरेट विभूति नारायण की, तो अपने नल्लेपन और भाभी जी से फ्लर्ट करने वाले किरदार को लेकर विभूति नारायण यानी कि आसिफ शेख काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। देखिए, पिछले कई सालों से हम इन्हें टीवी पर देख रहे हैं और साथ ही साथ फिल्मों में भी देख रहे हैं, लेकिन इतने सालों में इनके रंग रूप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जी हाँ, आपको बता दें कि 56 में भी 30 के दिखने वाले आसिफ शेख ऐसा क्या खास करते हैं कि वो आज भी इतने यंग दिखते हैं। विभूति नारायण मिश्रा वाले किरदार से जाने वाले आसिफ शेख इससे पहले भी कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखे जा चुके हैं, लेकिन आज भी उनके रंग रूप में ज्यादा फर्क नहीं आया है। ढलती उम्र का साया जहां चेहरे पर पड़ने लगता है, तो वहीं आसिफ शेख 56 की उम्र में भी 30 के दिखते हैं। क्या है उनकी फिटनेस का राज? आज भी हर कोई आसिफ शेख को देखकर यही पूछता है कि उनकी फिटनेस का राज आखिर है क्या और कैसे उन्होंने खुद को इतना फिट एंड फाइन रखा हुआ है कि वो आज भी 30 की उम्र के किरदार प्ले कर सकते हैं। इसका जवाब खुद आसिफ शेख ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने बताया था कि वो इसके लिए एक डाइट रूटीन फॉलो करते हैं और उन सभी चीजों से परहेज रखते हैं जो उन्हें स्क्रीन पर मोटा या बड़ा दिखा सकती हैं। कई सालों से नहीं खाई है शक्कर। कड़ा डाइट रूटीन फॉलो करने वाले आसिफ शेख ने करीब 2 सालों से शक्कर छोड़ रखी है। वो बिल्कुल भी शक्कर नहीं खाते। इसके अलावा तली भुनी कोई भी चीज, बाहर का खाना, जंक फूड से भी वो सख्त परहेज करते हैं। उन्होंने अपना वेट भी मेंटेन रखा है ताकि वो स्क्रीन पर एक से लगे, और यही कारण है कि वो सालों से इसी रंग रूप में हमें नजर आ रहे हैं और उसी तरह एंटरटेन भी कर रहे हैं जैसे वो सालों से करते आ रहे हैं। रोजाना करते हैं वर्कआउट। अभिनेता आसिफ शेख भूलकर भी वर्कआउट करना नहीं भूलते, ये उनका डेली रूटीन का हिस्सा है। वो सुबह उठकर रोजाना 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करते हैं। यकीनन आप भी ये सीक्रेट जानकर और इन्हें अपनाकर आसिफ की तरह एवरग्रीन बन सकते हैं। विभूति नारायण का किरदार निभाने वाले आसिफ शेख ने निजी जिंदगी में अपने करियर को लेकर बहुत सी मुश्किलें झेली हैं। आसिफ शेख ने हम लोग और अजूबे जैसे कई धारावाहिकों के बाद सिनेमा की ओर रुख किया। इन्होंने फिल्म रामा और रामा से फिल्मी दुनिया में कदम रखा, जो साल 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में इन्होंने राज बब्बर और किमी काटकर के साथ काम किया। तो अगर आप भी बढ़ती उम्र में यंग और फिट दिखना चाहते हैं तो आसिफ शेख के दिए गए इन वर्कआउट एंड डाइट टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। खैर, हम यूं ही आपके लिए फिल्मी और टीवी की दुनिया के सितारों की खास बातें लेकर आते रहेंगे। आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymyth.